मेरा और आदमी ना साहेब आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। पूर्व में घनानंद के अभ्यक्ति पक्ष में अनुभूति पक्ष को, घनानंद की जो अनुभूति पक्ष है उसके बारे में चर्चा कर रहा था, तो वस्तु वर्णन के बारे में चर्चा कर रहा था। तो वस्तु वर्णन आज में घनानंद के प्रकृति चित्रण के बारे में आपसे चर्चा। घनानंद ने तो प्रकृति का अत्यंत रमणीय चित्र अंकित किए हैं और ये सच्चे प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के साथ साथ उनका साहचर्य बहुत रहा है, क्योंकि वृंदावन की प्राकृतिक सुषमा निहारने एवं ब्रज के वनों को नैसर्गिक छटा निखारने का अवसर उन्हें अधिक बार प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्हें प्रकृति का अनेक सुंदर एवं सजीव चित्र अंकित किए हैं। वृंदावन में छाई हुई बसंत ऋतु का एक दृश्य देखिए जिसमें प्रकृति को आलमर रूप चित्रण किया है। घुमणे पराग लता तरु भुए मधुरित सौरभ सौज समुए वन बसंत वर्णत मन फूलो लता लता झूलन सम झूलो खगन चुहक पिक मुनहक सुहाई वन मन पथ की फिरी दुहाई मले पवन आगम सुखसार रोचक महासुदेश सुधार बरसत पुह पुहुम सर सुहत वन छविलख ब्रज मोहन सुहत। प्रकृति के आलम्बन रूप की अपेक्षा घनानंद ने प्रकृति उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक सरसता एवं मार्मिकता के साथ किया है, क्योंकि घनानंद का काव्य विरह प्रधान काव्य है और विरह में प्रकृति प्राय विरहीजनक उद्दीप्त करते हुए दिखाई देती है। तो घनानंद ने प्रकृति के उनंगों का चित्रण बड़ी तन्मयता एवं तल्लीनता के साथ किया है जो भावों को उद्दीप्त करके विरह वेदना को भी अत्यंत तीव्र बनाया करती है। इसी कारण घनानंद के काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण अधिक मार्मिक एवं सजीवता के साथ किया है। एक उदाहरण देखिए, लहक लहक आवे ज्यो ज्यो पुरवाई पोन दहक दहक त्यों त्यों तन तांवरे तचे बहक बहक जात बदरा बिलोकी हियो गहक गहक गवरन गरी मचे चहक चहक डारे चपला चखन चाहे केसो घन अंध सुजान बने जो बचे महक महक मारे पावन प्रसन्न बास त्रासन उसास दैया की लो रहे। घनानंद ने अलंकारों के लिए तो प्रकृति का अत्यंत प्रयोग किया है। उनके इन प्रयोगों में चमत्कार के साथ साथ सरसता भी है और कला कौशल के साथ साथ भाव प्रसन्नता भी अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है। जैसे घनानंद ने गृह के जीवन में पतझड़ एवं वसंत का एक साथ आना दिखाकर मार्मिक चित्रण किया है। उदाहरण देखिए, किंसुक पुंज से फूल रहे सुरी उर दो जो वियोग तिहारे मातो फिरे न घृह अवलन पे जान मनोज यो दारत मारे हे अभिलाषन पात न सुपात कड़े ही सूल उदासन डारे हे पत झार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। घनानंद ने प्रकृति का दूत के रूप में बहुत सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने पवन को दूत बनाकर अपने प्राण पेय के पास भेजने की कामना व्यक्त की है, जो निर्वोही प्रीतम के समीप जाकर उनके चरणों को धूल लाए जिसे उनकी आंखों में लगाकर ग्रहण अपने कम कर सके। उदाहरण देखिए, एरे वीर पौन तेरे सबे और गौन बारी तो सो कौन और मन ढर कोई बांध दे जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन आनंद ने धान सुख दान दुख दान दे जान उज यारे गुन भारे अंत मोही प्यारे अब है न मोही बैठे पीठ पहचान दे बेरे व्यथा की मूल आँखें में राखी मूल धूर तेन पायन की हा ने आने दे यानी पाँव की धूप थोड़ी थोड़ी आने दे। धन्यवाद।